बहुत अच्छी बात है, एक महीना नहीं, दो महीना, तीन महीना वहीं रहे, अच्छी बात है, वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। देखिए, जिसका आखिरी वक्त आ जाता है ना, तो उसको आखिरी चीज ही दिखलाई पड़ती है। कि काशी अंतिम समय में जाया जाता है, तो अखिलेश यादव जी से मेरा यही कहना है कि काशी आपके आस्था का कभी विषय नहीं रहा है। तो काशी अगर कोई आ रहा है तो उस इस प्रकार का बेतुका बयान देना यह निंदनीय है। और मैं तो कहूँगा कि आपका अगर काशी से लगाव नहीं है, काशी, मथुरा और अयोध्या, ये तीनों आपके आपके प्रेम का, आपके आपसे संबंधित नहीं है। आपके लिए मक्का मदीना प्रेम का विषय हो सकता है। आप मक्का मदीना जाएं, आपको कौन रोकने वाला है? लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में हिंदू परंपरा, हिंदू संस्कृति और हिंदू जनमानस के जो लोग हैं, उनके जो संस्कृति का जो केंद्र है काशी, अगर उसके प्रति आप इस तरीके की अनास्था व्यक्त करेंगे तो काशीवासी ही नहीं, पूरा देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका खमियाजा आपको 2022 में भुगतना पड़ेगा। और यह काशी धर्मनगरी, मोक्षदायिनी, ज्ञान का केंद्र है और इस पर इस तरीके का बेतुका बयान देना सर्वथा अनुचित है। असल बात, वो भारत में पढ़े नहीं, विदेश में पढ़े हैं। काशी में लोग गंगा स्नान को आते हैं, काशी में लोग ज्ञान लेने आते हैं, काशी में लोग चिकित्सा के लिए आते हैं, काशी में लोग संगीत के ज्ञान के लिए आते हैं, काशी में लोग अध्यात्म के ज्ञान के लिए आते हैं, काशी में बाबा के दर्शन को आते हैं और काशी में तप करने को लोग आते हैं और मुमुक्षु भी यहाँ आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि काशी केवल आखिरी समय में लोग आते हैं। यदि उनका आखिरी समय देखा जाए तो मोदी 14 में भी आए थे, फिर 14 में आए, फिर 17 में सरकार भी लाए, 17 में सरकार लाए, फिर 19 में फिर काशीवासियों ने उनको आशीर्वाद दिया, बाबा विश्वनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया काशीवासियों ने, अब पुनः 2022 में भी देंगे। ये आखिरी दिन उनका कहना यह गलत है और इस तरीके के बेतुके बयान से वो सीधा पप्पू के पुराने मित्र की तरह नजर आते हैं। जिसका आखिरी वक्त आ जाता है ना, तो उसको आखिरी चीज ही दिखलाई पड़ती है। तो उन लोगों का जो बोल रहे हैं कि आखिरी वक्त पीएम का आ गया, हमेशा काशी में ही उनको रहना है, तो जो लोग ऐसा सोचते हैं, जिनके दिमाग पे हमेशा चल रहा है यहीं, अब तो हम गए, तो अभी कुछ एकाक दो लोग जो बचे हैं वो पूरी तरह से साफ होने वाले हैं, तो इसलिए उनको दिन रात यहीं चल रहा है। जो काशी विश्वनाथ धाम का जो भव्य दिव्य स्वरूप, वो लोग भी देखे होंगे टीवी में बैठ करके, कि देखें हम भी, और देख करके छाती अपनी पीट रहे होंगे कि हाय हमने नहीं किया, हाय हमने नहीं किया ऐसा काम, कर दिए होते तो काश आज हम लोग सत्ता में होते, तो सब लोगों को आह अंदर से भर रही है, फूट रही है कि काश हमने ये काम नहीं किया। और अपना अंतिम समय वो लोग याद करके दूसरों को बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि एक होता है धर्म, महाभारत का युद्ध भी हुआ था जहाँ पे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया था, और राजनीति का निर्णय हमेशा धर्म के साथ रहा है। महाभारत में भी आप देखे होंगे, धर्म के साथ जो रहा उसकी विजय हुई और अधर्म के साथ जो रहा उसकी हार हुई, उसका क्या कहते हैं, समूल नाश हुआ। तो ये निश्चित है कि जो वर्तमान में धर्म के साथ खड़ा है उसकी विजय निश्चित है, और जो अधर्म के साथ हैं, धर्म का साथ नहीं दे रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, वो निश्चित नष्ट होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और आने वाला समय देखेगा और इतिहास रचेगा, और इतिहास रचा जा रहा है, काशी नहीं पूरे देश के लिए इतिहास रचा जा रहा है। यह बहुत बड़ा सुवर्ण अवसर है हम सब लोगों के लिए। इन्होंने जो विकास किया उसको लेकर अखिलेश यादव के समय होश उड़े हुए हैं और विपक्षियों पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो बौखलाहट में ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। वो